टेस्ट कर लेते हैं सैंपल पिछले वाले, ताकि उसी के अंदर हम चेंजिंग कर लेते हैं और फिर अपनी वर्किंग जो है वो देख लेते हैं। ओके जी, हमने कहा अ मिल्क कार्टन कैन होल्ड 3.78 लीटर्स ऑफ मिल्क। अब देखो दो एक लाइन उसने कही, ठीक है। अब मैं इस लाइन को एक्सप्लेन करता हूँ। कार्टन होल्ड इतने लीटर्स, यानी मैंने यहाँ जाके अब पहले सिंपल सीधा सीधे हाथों कह दिया डबल, दो वेरिएबल, एक मेरा है कार्टन मिल्क कार्टन मिल्क कार्टन कितना है, एक वेरिएबल ये हो गया, ठीक है। और हमने क्या किया, होल्ड 3.78 लीटर्स ऑफ मिल्क, यानी ऊपर जाकर, बल्कि मैं इसको यहाँ ऐसे लिखने की बजाय इसको कट करता हूँ, यहाँ जाके कहता हूँ हैश डिफाइन क्या डबल मिल्क कार्टन इज इक्वल टू 3.78, समझ आ गई, कॉन्स्टेंट कर लिया, ये हमने कॉन्स्टेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने नीचे क्या कहा, इसको कॉन्स्टेंट किया क्यों है, क्योंकि वो कंफर्म है ना मेरे पूरे प्रोग्राम में, जहाँ मैं मिल्क कार्टन का लफ्ज़ यूज़ करूँगा वो 3.78 लीटर्स के बराबर होगा, इक्वल नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है सही सही हो गया। अच्छा उसके बाद वो क्या कहता है, मिल्क, यहाँ तक तो बात क्लियर हुई। ईच मॉर्निंग अ डेयरी फार्म शिप्स कार्टन्स ऑफ अ लोकल ग्रॉसरी स्टोर, यानी वो एक लोकल ग्रॉसरी स्टोर पर कार्टन देख के आता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, कोई इशू नहीं है। अ डेयरी फार्म शिप्स कार्टन ऑफ मिल्क, फार्म शिप्स कार्टन ऑफ मिल्क, तादाद नहीं बताई, टू अ लोकल चलो, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन 1 लीटर ऑफ मिल्क, प्रोड्यूसिंग 1 लीटर ऑफ मिल्क इज $0.38। अब 1 लीटर की कितनी है, मैं कहता हूँ कॉस्ट ऑफ मिल्क, कॉस्ट सॉरी डबल कॉस्ट, सर डबल हमारे टीचर और फ्लोर दोनों आ जाते हैं, नहीं टीचर फ्लोर दोनों आ जाएंगे ना, इंटीजर फ्लोट और जो लॉन्ग डेसिमल है वो भी आ जाते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ, ज़्यादातर यूज ये डबल होता है, एक इंटीजर होता है वो ज़्यादातर डबल होता है, यूज होता होगा डबल यूज़ होता है जब एग्जैक्ट फ्लोटिंग पॉइंट होता है तो फिर आपका फ्लोट यूज़ होता है, जब आपका 3.33334 यूज़ हो फिर डबल यूज़ होता है, ठीक है, तो बताया हुआ ना आपको, ठीक। तो कॉस्ट ऑफ मिल्क, कॉस्ट ऑफ कार्टन मिल्क कार्टन कितना है, सर बहुत लंबा हो गया, कोई बात नहीं, इतना बड़े लंबा हो जाए, ठीक है। कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट निकाल लें, सी बड़ा कर लें, तो मैंने कॉपी पेस्ट भी करने, मैंने कहा कॉस्ट ऑफ मिल्क कार्टन कितनी हो जाएगी, 1 लीटर की कॉस्ट है 0.38, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, मिल्क कार्टन, ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 0.038, क्यों, क्योंकि उसने कहा है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 लीटर ऑफ मिल्क इतना है, तो इस 1 लीटर, एक कार्टन में कितने लीटर होते हैं, 3.78 लीटर, तो ये उसकी कॉस्ट आ गई, यानी एक कार्टन की कॉस्ट आ गई। एंड द प्रॉफिट ऑफ ईच कार्टन ऑफ मिल्क इज इतने, अब प्रॉफिट एक वेरिएबल ले लेते हैं, कोमा, मैंने यहीं पे कैलकुलेट कर दिया है, आप ऐसे करो, इसको कॉपी कर लो अगली लाइन में और इसको यहाँ से उड़ा देते हैं, ठीक है। और यहाँ मैं ले लेता हूँ अगला वेरिएबल कौन सा है, एंड द प्रॉफिट ऑन ईच कार्टन ऑफ मिल्क इज दिस, सर वैसे अगर हम ऊपर भी कैलकुलेट कर लें तो कोई इशू नहीं है, कोई कैश इशू नहीं है, लेकिन वो मेरे वेरिएबल के लिए ना लाइन, तो वो लेंथ ही जितना ज़्यादा हो जाएगा उतना टफ ना हो जाए, ठीक है, ठीक है। अब प्रॉफिट कैसे, प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है, प्रॉफिट ऑन ईच कार्टन कितना है, एक कार्टन प्रॉफिट है तुम्हारे पास जनाब 0.27, ठीक है। उसने कहा राइट अ प्रोग्राम दैट डज द फॉलोइंग, नंबर वन, यहाँ तक इसको करने कमेंट, प्रॉम्प्ट द यूजर, प्रॉम्प्ट द यूजर
prompt the user to enter the total amount of milk produced in the morning. देखना क्वांटिटी अब यहाँ पे पूछ रहा है, पूछ रहा है सीन करो, प्रॉम्प्ट करो, मैंने कहा सी आउट प्लीज एंटर द मिल्क क्वांटिटी, भाई ये क्वांटिटी आप पहले ऊपर पूछे थे ठीक है, कहाँ गया? अब हम यहाँ जाके क्वांटिटी ले लेंगे, क्वांटिटी मेरे पास क्वांटिटी आ गई, मैंने सेम कॉलम सेम ठीक है। अब यूजर ने क्वांटिटी डाली, अब वो क्वांटिटी प्रॉम्प्ट यूजर को एंटर द टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस इन द मॉर्निंग, आउटपुट द नंबर ऑफ मिल्क कार्टन नीडेड टू होल्ड मिल्क, कितने कार्टन चाहिए वो आपने बताने हैं। अब देखो यहाँ राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर, ठीक। अब आपने कहा था डेसिमल में आंसर नहीं देना, इंटीजर में आंसर देना है, नहीं क्योंकि इशारे में तो नहीं होगा, ठीक। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मेरी क्वांटिटी आ रही थी, अब पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ, मैं ये कैलकुलेट करता हूँ क्या कि मैं मुझे नंबर ऑफ कॉटन चाहिए, नंबर ऑफ कार्टन्स, इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, हमने क्योंकि टफ हो बट इट्स वेरी सिंपल वन, नंबर ऑफ कॉटन्स जो हैं वो कितने होंगे। अब नंबर ऑफ कॉटन जो है जितनी भी क्वांटिटी होगी, जितनी भी क्वांटिटी होगी मैं उस क्वांटिटी को डिवाइड कर दूंगा किसके ऊपर, तीन पे, तीन पे नहीं, एक कार्टन में कितना मिल्क आता है 3.78 पे, देखो ना, यानी अगर 4 लीटर है तो 3.78 क्वांटिटी मुझे चाहिए, ठीक है, ठीक है। मैंने क्या किया, नंबर ऑफ कॉटन्स एक ले लिया इंटीजर, आप प्रोग्रामिंग में कहीं भी इंटीजर ले सकते हो, क्यों इंटीजर लिया, अब वो करेगा क्या कि जितनी भी क्वांटिटी हमने एंटर की होगी उस क्वांटिटी को डिवाइड कर देगा इसके ऊपर और इंटीजर में रिजल्ट शो कर देगा, ठीक हो गया, ये मेरे नंबर ऑफ कार्टन आ गए। आउटपुट द नंबर ऑफ मिल्क कार्टन नीडेड टू होल्ड द मिल्क, मैं देखो 3.7 पे जब मैं इस पर डिवाइड करूँगा ना तो आंसर इशारे के बाद कुछ भी आ सकता है, उसको तो मैं 1+1 कर लेता हूँ, समझ आई, ठीक है, यानी अगर 4 लीटर क्वांटिटी है तो 3.78 पर डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 1, लेकिन बाकी जो मिल्क है वो मेरा ज़ाया चला जाएगा ना, तो मैंने इसलिए क्या किया कि उसको 1+ कर दिया ताकि एक्स्ट्रा अगर यानी कहीं भी, क्योंकि 3.78 एग्जैक्टली इतने लीटर तो नहीं होगा ना, कोई एक आधा इंच का फर्क होगा तो उसके लिए हमें एक पूरा कार्टन जो है वो दोबारा चाहिए होगा। नेक्स्ट उसने कहा आउटपुट द कॉस्ट ऑफ, स्टार्ट में प्लस प्लस लगा सकते हैं इसके, ये यहाँ प्लस प्लस पे लगेगा ना, ये तो डिवाइड हो रहा है, नहीं इसके पहले ब्रैकेट से पहले, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस क्वांटिटी से आगे, क्वांटिटी जो भी होगी ना, हाँ क्वांटिटी से पहले जो है हम प्लस प्लस का साइन लगा सकते हैं, क्यों उससे तो क्वांटिटी वेरिएबल में एक इजाफा होगा, मुझे डिवाइड किए हुए रिजल्टेंट को एक इजाफा करना है ना, ठीक है। नेक्स्ट आउटपुट द नंबर ऑफ मिल्क कार्टन नीडेड टू द होल्ड द मिल्क, ठीक है। उसके बाद कहता है आउटपुट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मिल्क, यानी दूध को प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा आ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मिल्क था मिल्क कार्टन मल्टीप्लाई बाय 0.38, यही आता था ना, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 लीटर ऑफ मिल्क इज दिस, कार्टन कितना था कि 3.78 मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक, ये मेरी कॉस्ट आ रही थी इतने पे, यानी एक एक कार्टन पे, तो अब जितने भी कार्टन होंगे वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी मैं कहूँगा कॉस्ट ऑफ कॉटन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉटन्स, ये आ जाएगी मेरी टोटल कॉस्ट, ठीक है, ठीक है, गलती तो नहीं है, क्या गलत किया मैंने, ऊपर भी वो एक सेमी कॉलन रहता है कहाँ पे, ऊपर ये प्रॉफिट नहीं, क्या क्या गलती की हमने, ये कुछ टोटल कॉस्ट को हमने अभी ठीक है डिक्लेयर हो गया, दो वेरिएबल के नाम में स्पेस दी हुई है मैंने, ठीक है, याद रखनी है सारी बातें। नेक्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क, प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट है 0.27, किसके ऊपर 0.27 किस पे था जी, ईच कार्टन, तो जितने भी कार्टन होंगे ये नंबर कॉस्ट ऑफ कार्टन, नंबर ऑफ कार्टन होंगे
उसको मैं क्या कर दूंगा जनाब, मल्टीप्लाई करवा दूंगा, ये मेरा आ जाएगा प्रॉफिट अमाउंट, प्रॉफिट AMOUNT, प्रॉफिट अमाउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्टन, और ये मैंने पेस्ट किया और इसको मैं यहीं पे इंटीजर कर देता हूँ। असूलन तो वैसे तरतीब से चलो तो बेहतर होता है, ठीक है। अब इनको बारी बारी आपने सी आउट करवा देना, तीनों चीज़ें मेरे पास यहाँ डायरेक्ट आ चुकी हैं। मैंने कहा सी आउट, नंबर ऑफ कॉटन यूज्ड इक्वल नंबर ऑफ कॉटन, ठीक है। इसके बाद सी आउट टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एंटर, और सी आउट टोटल प्रॉफिट। चलो ये तो एज इट इज प्रिंट हो रहा है, टोटल प्रॉफिट अमाउंट मल्टी अमाउंट इज AMOUNT, ठीक है जी। सेव रन, कॉस्ट ऑफ मिल्क बताएंगे। ओह नहीं, इस वेरिएबल की, इस वेरिएबल की जरूरत है, ठीक है। सेव, क्या था भला वेरिएबल? मिल्क कार्टन 3.70, ये तो मैंने यहाँ पर लगने से लिखा था। मैंने कि यूज़ किया मिल्क कार्टन, हाँ यूज़ किया, तो इसको हम यहाँ जानते हैं। इतने कार्टन यूज होंगे, टोटल कास्ट इतनी आएगी, प्रॉफिट अमाउंट 70, ठीक हो गया, ठीक है जी। सादा सा एक प्रोग्राम था ये आपके पास का।